नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम आपको सेमेस्टर एग्जाम के रिगार्डिंग एक महत्वपूर्ण अपडेट देने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरी सभी आगरा यूनिवर्सिटी की जितने भी विद्यार्थी हैं जो हमारे चैनल पर पहले विजिट कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें। तो दोस्तों, जैसे कि आप सबको था कि आपका 4 अक्टूबर से आपका जो सेमेस्टर एग्ज़ाम है वो स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसे में एक अपडेट निकल के आई आपके सेंटर के रिगार्डिंग। तो पहले उस अपडेट को देख लेते हैं। लिखा है कि माननीय कुलपति जी के आदेश दिनांक 20/9/2023 के अनुपालन में स्नातक स्तर की वार्षिक प्रणाली के अंतर्गत संचालित BA BSc BCOM द्वितीय वर्ष परीक्षा 2023 भूतपूर्व व्यक्तिगत संस्थागत में समस्त छात्र छात्राओं की परीक्षाएं दिनांक 4/10/2023 से आरंभ होकर दिनांक 30/10/2023 तक संपन्न होंगी। उक्त परीक्षाओं के आयोजन में क्रम में आपके महाविद्यालय ने नोडल परीक्षा केंद्र निर्धारित किया गया है। कृपया उक्त परीक्षाओं में आगरा व अलीगढ़ मंडल के जनपदों में स्थित महाविद्यालयों के परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित होंगे। सूचनापूर्ण एवं शांतिपूर्वक ढंग से परीक्षाएं संपन्न कराए जाने की अति आवश्यक व्यवस्था व्यवस्थित करने का कष्ट करें, ठीक है। तो आगरा में जो आपका नोडल केंद्र बनाए वो है RBS कॉलेज आगरा, मथुरा में बनाए BSc कॉलेज आगरा, फिरोजाबाद में बनाए MRK कॉलेज फिरोजाबाद, मैनपुरी में है SCGD कॉलेज मैनपुरी, एटा एवं कासगंज में JLN कॉलेज एटा, हाथरस में PC बंगला कॉलेज हाथरस, अलीगढ़ में बना SB कॉलेज अलीगढ़, ठीक है। तो ये नोडल केंद्र बनाए गए हैं आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। अब आई होप अब आपकी जो डेट है, बहुत सारे बच्चे ये भी पूछे थे कि क्या हमारे एग्ज़ाम की डेट बढ़ेगी, तो अब कोई भी डेट नहीं बढ़ेगी। यूनिवर्सिटी ने सारी तैयारियाँ कर ली है। रिजल्ट सेमेस्टर का जब आएगा तब आता रहेगा, लेकिन उनके पूरी तैयारी है एग्ज़ाम 4 तारीख से ही कराने की। तो विश यू ऑल द बेस्ट सभी के लिए जिसके एग्ज़ाम है, तो अपनी कमर कस लीजिए, 4 तारीख ज़्यादा दूर नहीं है, अच्छे से पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। तो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।